दिल्ली में 20 सीटों पर उपचुनाव दस्तक दे रहा है और उपचुनाव की इस आहट के बीच कांग्रेस में पुराने नेताओं की घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। शीला सरकार में पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली के 9 महीने बाद बीजेपी से कांग्रेस में घर वापसी के बाद कई पुराने कांग्रेस के नेता फिर से कांग्रेस में आने की जुगत में जुट गए हैं। दिल्ली में उपचुनावों का माहौल है, माहौल चुनावी है तो जाहिर है कि दिल्ली की राजनीति में भी हलचल चुनावी ही होगी। इस आगामी चुनावी माहौल में पूर्व मंत्री और 9 महीने पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का कमल थामने वाले अरविंदर सिंह लवली की फिर से कांग्रेस में वापसी ने तड़का लगा दिया है। जब लवली के लिए पुराने घर के दरवाजे खुले तो कई और लवली जैसे पुराने कांग्रेसी नेताओं की भी घर वापसी की इच्छा जिंदा हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कई पुराने कांग्रेसी नेता एक बार फिर से इस कोशिश में लग गए हैं कि कैसे एक बार फिर से अपने पुराने घर यानी कि कांग्रेस में एंट्री की जाए। ऐसे नेता माहौल और मौका दोनों की तलाश में हैं। लवली की वापसी से माहौल तो बन गया है लेकिन अभी मौके का इंतजार है। अरविंदर सिंह लवली के साथ ही कांग्रेस में पुराने नेताओं की घर वापसी शुरू हो गई है लेकिन लवली की तरह कई और ऐसे पुराने कांग्रेसी हैं जो अपने घर वापस आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को फिर से कांग्रेस में शामिल करने के लिए अजय माकन को अपना दिल बड़ा करना होगा और खुद ऐसे लोगों के लिए पार्टी के दरवाजे खोलने की पहल करनी होगी। पिछले साल दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले कई पुराने कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस के डूबते जहाज की सवारी को बाय बाय कहकर बीजेपी के उगते सूरज को रोशनी में अपना राजनीतिक करियर चमकाने की उम्मीद में कांग्रेस का सालों का साथ छोड़ दिया था। केंद्रीय मंत्री रही कृष्णा तीरथ, बरखा सिंह और पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम कांग्रेस में एक लंबा वक्त बिताने के बाद अचानक से बीजेपी में शामिल हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेसी नेता बीजेपी में फिट नहीं बैठ पा रहे, ऐसे में उनको अपने पुराने घर और अपने पुराने साथियों की याद आ रही है और ऊपर से चुनावी सुगबुगाहट। कांग्रेस नेताओं की घर वापसी की एक दूसरी वजह पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बढ़ती मौजूदगी भी है। बीजेपी नेता अमरीश गौतम कांग्रेस के पुराने नेताओं की इस नई जुगलबंदी का भी कांग्रेस के लिए उपचुनाव में फायदेमंद इसको बता रहे हैं। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में अच्छे काम किए, उसका फायदा थोड़ा बहुत परसेंट 2-4% वोट का कांग्रेस को हो सकता है लेकिन उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि वो कल भी एक ही थे, आज भी एक हैं और शीला दीक्षित जी के आने से बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस से जाने वाले ज्यादातर नेता प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली से नाराज होकर पार्टी छोड़कर गए थे लेकिन अजय माकन ने जिस तरह से लवली की वापसी कराने के वक्त अपनी गलती को माना उससे लगता है कि माकन भी अच्छे से समझ गए हैं कि पुराने कांग्रेसी नेताओं की घर वापसी के बिना कांग्रेस के दिल्ली में वापसी करना मुमकिन ना होगा। ऐसे में देर सवेर कुछ और पिछड़े हुए साथी एक साथ नजर आ सकते हैं। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।